ये पहुंच चुके हैं वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे जी से आग्रह रहेगा कि आप पुष्पांजलि अर्पित करावे सभी पंचायतों को। आप सभी से निवेदन रहेगा कि व्यवस्था बना के रखें। भागने का एक ऐसा नाम जिसने बहुत कम समय में पूरे देश प्रदेश में हजारों भारतीय वासियों का गौरव बढ़ाया। गांव की पगडंडी से निकलकर जिन्होंने पूरे देश प्रदेश में भारतीय का गौरव बढ़ाया। हमारी अपनायन, हमारी मान मर्यादा, हमारी सभ्यता संस्कार, हमारे उत्सव को एक नई पहचान दिलाई। ऐसे चौहान साहब को आज नमन करने के लिए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, जिन्होंने दो बार सर बतौर मुख्यमंत्री राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया, आदरणीय वसुंधरा राजे जी से किया, स्वर्गीय तन सिंह जी के दोनों पुत्रों को आप सभी से निवेदन रहेगा कि अपनी जगह पर विराज रहे। आदरणीय वसुंधरा राजे जी सबसे मिलेंगे। आगे बढ़ते रहो, थोड़ा आगे बढ़ते रहो, थोड़ा आगे बढ़ो, मत दो बढ़ते रहेंगे। थोड़ा लगेगा कि आप विराज जाए। आप सभी लोग विराज जाए। आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप सभी लोग विराज जाए। सीएम साहब हमारे को पूरा कहना चाहिए। ऐसा नाम जिन्होंने गांव की पगडंडियों से निकलकर अपने सामने भीषण चुनौतियों परिस्थितियों को देखने के बावजूद उन्होंने बहुत कम समय में पूरे बाड़मेर का मान सम्मान बढ़ाते हुए न सिर्फ बाड़मेर को अपितु पूरे मारवाड़ को देश प्रदेश में एक विशेष पहचान दिलाई। ऐसी शख्सियत स्वर्गीय तन सिंह जी चौहान साहब को हम याद करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं और उसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सभा को छोड़कर मोदी जी की सभा समाप्त हो गई है। जिन्होंने बाड़मेर की तरफ अपना रुख किया, उनके वही बाड़मेर है। मेरा सभी से निवेदन रहेगा व्यवस्थाओं को बना के रखें। जितने भी कैमरे वाले साथी खड़े हैं उनसे भी विनम्र आग्रह रहेगा कि आप सभी लोग विराज जाएं। कर सके सरासी बाड़मेर में स्वर्गीय तन सिंह जी चौहान ने जो कार्य किए, उन कार्यों को देखते हुए उनके दोनों हेलो, एक बार सब विराजे। बीच में तन सिंह साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने पधारे हैं। मेरा देवी सिंह साहब पार्टी से निवेदन रहेगा कि श्रद्धांजलि स्वरूप आप दो शब्द फरमाएं। देवी सिंह पार्टी साहब, धरती की महान विभूति
को याद करने के लिए उनकी स्मृति में आज ये सारे जो ये मूर्ति है एक माला में पूरे हुए हमारे गांधी साहब का जो प्रेम है जुड़ाव है कटो भैया पिछले वाला सर झुक के लो पिछले नहीं रहा शामिल हो रहा है जो आज बाड़मेर में इतनी संख्या में लोग इकट्ठे होना बहुत मुश्किल है लेकिन उनके नाम पर आज इतने 15 से 17 हजार